भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर जमकर राजनीति हो रही है। आपको बता दें, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले फिल्म को रिलीज करना इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, तो वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के किरदार में जिस तरह से अनुपम खेर नजर आ रहे हैं उससे उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। वहीं इस फिल्म को लेकर जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने कहा, असल में मैं नहीं जानता कि इसकी अनुमति क्यों दी गई, मुझे लगता है कि यह 2 या 3 महीने पहले शुरू हुआ। देवेगौड़ा ने कहा, मैं नहीं जानता किसने इसकी इजाज़त दी और क्यों, तो मैं इस तथाकथित एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं जानता, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं। वैसे आपको बता दें, अचानक जिस तरह से एचडी देवेगौड़ा ने इस तरह का बयान दिया है वो वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है कि आखिरकार उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।